नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। एक बार फिर बहराइच जिले की पुलिस की नाकामी आई सामने। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि रात के अंधेरे में चोरों ने लाखों के सामान व जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। जी हाँ, ताजा मामला बहराइच जिले के कोतवाली देहात थाना अंतर्गत इमलिया का है, जहां कोतवाली देहात की चौकी चिलवारिया से महज 2 किलोमीटर दूर इमलिया गांव में रात में चोरों ने 4 घरों में घुसकर लाखों के सामान व जेवरात पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि जनपद बहराइच में चोरों का कहर इतना बढ़ गया है कि एक ही रात में 4 घरों में चोरी की वारदात से पुलिस या कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहा है। जबकि पुलिस का दावा करती है कि हमारी टीम रात में गश्त करती है, उसके बाद भी आए दिन चोरी की घटना बढ़ती ही जा रही है। लगातार चोरी हो रही वारदात से जनता काफी दहशत में है। आपके यहाँ चोरी हुई है, कितने रुपए का नुकसान आपके यहाँ हुआ है? कम से कम 10 लाख का तो गया ही है। 10 लाख में क्या क्या चीज था? ज्वेलरी थी, कैश था। कितना कैश लगभग है? कैश तो 50,000 से समथिंग। आपको जानकारी चोरी की कब हुई? तो सुबह 4 बजे जब मेरा अलार्म बजा तो हम उठे, फिर गए, दरवाजा खुला पड़ा था, हम देखे वहाँ अलमारी सब पूरा सब सामान बिखरा पड़ा था। सर, हम लोग 12-1 बजे जैसे गाय बहुत परेशान कर रही थी, वहाँ हम लोग खेत रहाने जा रहे थे, वहाँ पर 12-1 बजे यहाँ घर पर आए। उसके बाद में हम कपड़ा हमारा भीगा था, उसके बाद में निकाल दिया, उसके बाद में यहाँ पंखा चला था, हम सो गए। और उसके बाद में हमारे घर में चोरी हो गई, डकैती, और कम से कम काफी सामान ले गया और पूरा परिवार सहित। लगभग कितने की चोरी? 70-70 लाख रुपए चोरी हुई सर। कितने लोगों के यहाँ चोरी हुई? अब दो मिलके हमारे यहाँ भाई। कौन कौन सर? कमलेश कुमार वर्मा और राम कुमार वर्मा। बगल में किसके यहाँ चोरी? और संतराम वर्मा और कोयले वर्मा। आप लोगों को चोरी की कैसी जानकारी है? चोरी का सर उस सुबह उठे तब देखा सब सामान यहाँ वहाँ शीशा लेदर पड़ा था। आपने पुलिस को सूचना दिया? हाँ, तो सूचना तो सर जोड़ते दिया हम लोग। कहाँ रहते हैं? क्या हुआ आपके यहाँ चोरी हुई, कैसे जानकारी हुई आपको? हमारे यहाँ जो है जो चोरी हुई हम लोग नहीं जान पाए, और जो छोटा हमारा भतीजा है वो चिल्लाया 4 बजे के टाइम, तब उसने जब हल्ला किया तो हम आए तो देखे, हम जितने कमरा हमारे यहाँ पे रहे वो सब टूट पड़े, काम पड़ा उनके यहाँ कपड़ा। इसके बाद जो है बगल में वो कमलेश और लल्लन किया, जो है उन्होंने चिल्लाने के हमारे यहाँ चोरी हो गई। इसके बाद पुलिस को तुरंत सूचना दीनगा, तुरंत पुलिस आया, 1 घंटा के बाद आए, तो हमने यहाँ बड़ा लौंडा उनसे कही कि जो है कोई चीज़ में किया जाए कि ना किया जाए, तो कहने होगा सब।